खबर ऊधम सिंह नगर से, जहां पुलिस प्रशासन ने कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे 9 सिलेंडरों को जब्त किया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कालाबाजारी की जा रही है, जिस पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। पूर्ति निरीक्षक विनोद तिवारी ने वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर के ऑटो रिक्शा को रोककर पूछताछ की। इस दौरान उस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण आपूर्ति निरीक्षक ने मुकदमा पंजीकृत कराते हुए घरेलू गैस सिलेंडर को जब्त किया। वहीं पूर्ति निरीक्षक विनोद तिवारी ने बताया कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधम सिंह नगर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फोन पे हमें सूचना दी कि एक ई रिक्शा में सिलेंडर अवैध रूप से जा रहे हैं, जो कालाबाजारी के लिए है। तो उसी वक्त में सूचना पे अमित पग्गा दवार जसपुर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक टुक टुक जिसे हम कहते हैं ई रिक्शा, उसमें 9 सिलेंडर रखे हुए थे। और जो रिक्शा चालक था उससे पूछा गया कि आप सिलेंडर कहाँ से ला रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं। तो उसने हमें संतुष्टि पूर्वक कोई जवाब नहीं दिया। कई बार उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता।